Dear students, Assalamu alaikum. I am your instructor Asma Zaheer and I welcome you all in the 13th lecture of the course Introduction to Exceptionalities. So in this lecture we will discuss about, as we were on the chapter of emotional and behavioral disorders. Sorry, this is chapter 4. It is mistakenly here chapter 3. So it is chapter 4, unit 4 of your outline, persons with emotional and behavioral disorders. So in this lecture we will discuss about the classification and characteristics of individuals with emotional or behavioral disorders and how to assess and identify the emotional or behavioral disorders in children with this kind of category. So इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हम क्या कह सकते हैं. डेफिनेशन जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि जब इमोशनल डिस्टर्बेंस हो और उसकी टाइम लिमिट है, जो कि कुछ टाइम लिमिट के लिए वो सारा स्नैरियो चल रहा हो और उसकी इंटेंसिटी इस हद तक हो, इंटेंसिटी भी हो और इंटेंसिटी इस हद तक हो कि वो एजुकेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हो, तो इसको हम कहेंगे कि बच्चा जो है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के साथ है. चिल्ड्रन विद इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड प्राइमरीली बाय बिहेवियर दैट फॉल्स सिग्निफिकेंटली बियॉन्ड कल्चर एंड एज ग्रुप नॉर्म्स ऑन आइदर ऑफ टू डायमेंशंस, एक्सटर्नलाइजिंग एंड इंटरनलाइजिंग. बिहेवियर कोई भी जो बिहेवियर हम एग्जिबिट कर रहे होते हैं, कल्चरल और एज और नॉर्म्स से हट के जब हम बात करते हैं, तो जब हम कोई भी बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे होते हैं तो बिहेवियर की दो डायमेंशंस हैं, एक एक्सटर्नलाइजिंग और दूसरा इंटरनलाइजिंग. आइदर पैटर्न ऑफ नॉर्मल बिहेवियर एडवर्सली अफेक्ट्स एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशल रिलेशनशिप्स. इनमें से कोई भी पैटर्न जो है नॉर्मल बिहेवियर का, वो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट या सोशल रिलेशनशिप्स को जो है अफेक्ट कर सकता है. अब एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर क्या है? द मोस्ट कॉमन बिहेवियर पैटर्न ऑफ चिल्ड्रन विद इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कंसिस्ट ऑफ एंटी सोशल और एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर्स. द बिहेवियर्स डैट वी एग्जिबिट टूवर्ड्स अदर्स. सो जो एंटी सोशल बिहेवियर है, जो हम दूसरों पे एग्जिबिट कर रहे हैं, वो एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर है. In the classroom, children with externalizing behaviors frequently do the following things, like get out of their seats, अपनी जगह से बार बार उठ जाते हैं, yell करते हैं, बहुत बुरे तरीके से बोलते हैं या curse करते हैं दूसरों को, blame game दूसरों पर डाल देते हैं, अपने पीयर्स को डिस्टर्ब करते हैं, उनको हिट करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, टीचर को इग्नोर करते हैं, या हर वक्त उनका कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है, आर्ग्यू एक्सेसिवली और चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, दूसरों की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, किसी की पेंसिल तोड़ दी, किसी का कुछ तोड़ दिया, हैव टेम्पर टेंट्रमेंट्स, आर नॉन कंप्लाइंट. ठीक, ये जब तमाम चीज़ें किसी एक बच्चे में एग्जिस्ट कर रही हों और इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो, लाइक ये नहीं कि सिर्फ किसी बच्चे ने एक दिन एग्जिबिट किया, 2 दिन, 3 दिन, 6 माह तक, अगर ये कंटिन्यूस ये चीज़ें बच्चे में रह रही हैं, ये सारी हैं इनमें से कोई, और उसकी इंटेंसिटी इस हद तक है कि वो उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर के हवाले से जो है फेस कर रहा है. सो जो हमने लास्ट बात की, आर नॉन कम्प्लाइंट, इसका क्या मतलब है? रॉड जेंसन एंड रेवस डिस्क्राइब नॉन कम्प्लाइंस एज द किंग पिन बिहेवियर अराउंड विच अदर बिहेवियरल एक्सेसेस रिवॉल्व. नॉन कम्प्लाइंस इज सिंपली डिफाइंड एज नॉट फॉलोइंग अ डायरेक्शन विद इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम. डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में. सो Most of the arguing, tantrums, fighting or rule breaking is secondary to avoiding request or required tasks. Antisocial, non-compliant children can make our teaching lives miserable and single-handedly disrupt our classroom. So
मतलब क्या आप कह सकते हैं कि जो एंटी सोशल नॉन कंप्लायंट चिल्ड्रन होते हैं ये मिजरेबल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक, और सिंगल हैंडेडली डिस्टर्ब द क्लासरूम, अकेले ही काफ़ी होते हैं क्लासरूम को डिस्टर्ब करने के लिए। सो ऑल चिल्ड्रन समटाइम्स क्राई, डिस्टर्ब अदर्स एंड रिफ्यूज टू कम्प्लाई विद रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। चिल्ड्रन विद इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स डू सो विद डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी एंड देयर एंटी सोशल बिहेवियर ऑफन अकर्स विद लिटल और नो अपेरेंट प्रोवोकेशन। कोई प्रोवोकेशन नहीं होती है, कोई प्रोवोक नहीं कर रही होती है उनको कोई चीज़। उनका बिहेवियर जो है खुद ब खुद इस तरह से होता है और जिसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। सो एग्रेशन टेक्स मैनी फॉर्म्स। जो बच्चे वो इस एग्रेशन को शो कर रहे होते हैं, वो एग्रेशन बहुत सी किस्मों का होता है। वर्बल अब्यूज भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिवनेस भी हो सकती है, वेंडलिज्म भी हो सकता है, और फिजिकल अटैक्स भी हो सकते हैं जो कि दूसरों पर ये बच्चे करते हैं। सो लेट्स कम टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज इंटरनलाइजिंग बिहेवियर। ऑल द चिल्ड्रन हु कंसिस्टेंटली एक्ट इमेच्योर एंड विदड्रॉन डू नॉट प्रेजेंट द थ्रेट्स टू अदर दैट एंटी सोशल चिल्ड्रन डू। देयर बिहेवियर क्रिएट्स अ सीरियस इम्पेडिमेंट टू देयर डिवेलपमेंट। सो क्या कहा जा सकता है इन बच्चे के बारे में कि ये जो बच्चे हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ, इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स के साथ, ये दूसरों को इस हद तक डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक। ये खुद बहुत ही अपने अंदर ही डिस्टर्ब हो रहे होते हैं या होते हैं। दिस चिल्ड्रन सेल्डम प्ले विद अदर्स ऑफ देयर एज। दे लैक द सोशल स्किल्स नीडेड टू मेक फ्रेंड्स एंड हैव फन, एंड दे ऑफन रिट्रीट इन टू डे ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। सम आर एक्सट्रीमली फेयरफुल ऑफ सर्टन थिंग्स विदाउट रीजन, फ्रिक्वेंटली कंप्लेन ऑफ बींग सिक और हर्ट, एंड गो इन टू डीप बॉट्स ऑफ डिप्रेशन। ऑब्वियसली सच बिहेवियर लिमिट्स अ चाइल्ड्स चांसेस टू टेक पार्ट इन लर्न फ्रॉम एंड एंजॉय टिपिकल स्कूल एंड लेयर एक्टिविटीज। सो दीज चिल्ड्रन फेस मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ऑनलाइन, रिगार्डिंग इंटरनलाइजिंग बिहेवियर। सो सम आर एक्सट्रीमली फेयरफुल एंड देर आर मैनी रीजन्स डैट कैन बी एंड टीचर नीड्स टू आइडेंटिफाई। बिकॉज चिल्ड्रन हु एग्जिबिट द इंटरनलाइजिंग बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम टाइप्स ऑफ एंगजाइटी एंड मूड डिसऑर्डर्स मे बी लेस डिस्टर्बिंग टू क्लासरूम टीचर देन आर एंटी सोशल चिल्ड्रन। दे आर इन डेंजर ऑफ बींग आइडेंटिफाइड। ये क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर इन डेंजर ऑफ नॉट बींग आइडेंटिफाइड। मतलब वो इस खतरे में होते हैं कि वो आइडेंटिफाई ही नहीं होते हैं कि उनको बिहेवियरल या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो इन्वर्ट होते हैं। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी अपनी ज़ात तक ही महदूद होते हैं, वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक। सो इंटरनलाइजिंग बिहेवियर जो है इसके काफ़ी टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, और मैंने कुछ टाइप्स आपके लिए चूज भी की हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो इंटरनलाइजिंग बिहेवियर हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स इंक्लूडिंग एंगजाइटी बिहेव इन एंगजाइटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स एंड अदर इमोशनल डिसऑर्डर्स। आपने ये देखा है कि जब हमने एक्सटर्नलाइजिंग की बात की तो वहाँ पर कोई टाइप्स नहीं हमने देखी, हमने सिर्फ ये देखा कि ये डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अब्यूजिव होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइप्स हैं इंटरनलाइजिंग बिहेवियर में, जो उनका अपना सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है। वहाँ पर कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं और इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोजा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म। और मूड डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन है, बायोपोलर डिसऑर्डर्स हैं, एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स में शिज़ोफ्रेनिया है एंड टॉरेट सिंड्रोम है। सो लेट्स एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। सो आई हैव अ बुक लिंक अटैच हेयर, सो आई कैन ओपन डायरेक्टली। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एंड कॉपी पेस्ट ऑल द
कैटेगरी, सो आई हैव अ टेस्ट फाइल हेयर. लेट्स कम टू द एंगजाइटी डिसऑर्डर्स. जैसे कि हमने देखा एंगजाइटी डिसऑर्डर्स की अपनी जो हैं वो सिक्स काइंड ऑफ टाइप्स हैं, सो हम इसको डिस्कस करते हैं और इस पे बात करने की कोशिश करते हैं. लेट मी फाइंड द पेज. सॉरी आई कुडंट फाइंड फॉर यू पीपल ऑलरेडी. Here we have come with the categories of internalizing behavior disorders. So types of anxiety, mood, and other emotional disorders in children. So first category is anxiety disorders. Anxiety disorders क्या हैं? Maladaptive emotional state or behaviors caused by excessive and often irrational fears and worries. Irrational fears हैं, irrational worries हैं कि बच्चे का जो खौफ है या जो उसका डर है उसकी कोई बुनियाद नहीं है. ये एंगजाइटी डिसऑर्डर्स कहलाते हैं. अब इसमें पहली कैटेगरी आ रही है जनरलाइज्ड एंगजाइटी डिसऑर्डर्स. एक्सेसिव अनरियलिस्टिक वरीज, फियर्स एंड टेंशंस दैट लास्ट 6 months और मोर. इन एडिशन टू क्रॉनिक एंगजाइटी सिम्टम्स इंक्लूड रेस्टलेसनेस, फटीग, डिफिकल्टी कंसनट्रेटिंग, मस्कुलर एक्स, इंसोमनिया, नोजिया, एक्सेसिव हार्ट रेट, डिजीनेस एंड इरेटेबिलिटी. सो ये तमाम जो है कंडीशंस जब इंसान में 6 माह से ज़्यादा तक पाई जा सकें तो इसका मतलब है कि उनको जनरलाइज्ड एंगजाइटी डिसऑर्डर है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी एंगजाइटी डिसऑर्डर्स की और वो है फोबिया. फोबिया, व्हाट इज फोबिया? इंटेंस फियर रिएक्शन टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. फॉर एग्जांपल स्नेक्स, डॉग्स, हाइट्स, वाटर, फायर. Level of fear is inappropriate to the situation and is recognized by the person as being irrational. Can lead to the avoidance of common everyday situations. लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो फोबिया के साथ लोग होते हैं उस सिचुएशन में जाने से, और ये डिपेंड करता है कि वो बिहेवियर किस हद तक जो है वो रहेगा. जितनी सिचुएशन इनअप्रोप्रिएट होगी उतना ही बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट ज़्यादा देर तक लास्ट करेगा. फोबियाज. सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, परसिस्टेंट रिकरिंग थॉट्स, ऑब्सेशंस डैट रिफ्लेक्ट एग्जैजरेटेड एंगजाइटी और फियर्स. टिपिकल ऑब्सेशंस इंक्लूड वरी अबाउट बीइंग कंटेमिनेटेड कि हम हमारे हाथ गंदे हो गए हैं या कपड़े गंदे हैं, बिहेविंग इम्प्रॉपरली, इम्प्रॉपरली बिहेव करना और एक्टिंग वायलेंटली. ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं OCD के लोगों में पाई जाती हैं, जहाँ पे एंगजाइटी और फेयर जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो इसको एग्जेजरेट करने की कोशिश करते हैं. दे ऑब्सेशंस में लीड एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ रिचुअल और रूटीन सच एज वॉशिंग हैंड्स, रिपीटिंग फ्रेसेस और हॉर्डिंग टू रिलीव द एंगजाइटी कोज्ड बाय द ऑब्सेशन. ऑब्सेशन की वजह से जो उनको एंगजाइटी आ गई है वो उसको दूर करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर तैयार कर लेते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, एक ही जुमले को बार बार बोलना. ठीक, ये कुछ टाइप्स हैं जो कि वो लोग कर रहे होते हैं. नोरेक्सिया नर्वोजा, रिफ्यूजल टू मेंटेन बॉडी वेट एट और अबव अ मिनिमली नॉर्मल वेट फॉर एज एंड हाइट. ऑब्सेसिव कंसर्न विद बॉडी वेट और शेप, इंटेंस एंगजाइटी अबाउट गेनिंग वेट और बिकमिंग फैट इवन थो सीवियरली अंडर वेट. The two types, restricting food intake by starving oneself down to an abnormal weight and binge eating or purging. दो टाइप्स हैं, एक तो ये कि खाते पीते ही नहीं है इस वजह से कि वेट ना गेन हो जाए, और दूसरा कि खाना बंद ही नहीं करते. ठीक, ये दोनों टाइप्स हैं इस डिसऑर्डर में. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD. Prolonged and recurrent emotional reactions after exposure to a traumatic event, for example, sexual or physical assault, unexpected death of a loved one,
नेचुरल डिजास्टर, विटनेस और बीइंग अ विक्टिम ऑफ एक्ट्स ऑफ वॉर और टेररिज्म. सिम्टम्स इंक्लूड फ्लैशबैक्स एंड नाइटमेयर्स ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट, अवॉइडिंग प्लेसेस और थिंग्स रिलेटेड टू द ट्रॉमा, इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग, इरिटेबिलिटी और पुअर कंसेंट्रेशन. ऑल दीज फैक्टर्स कैन लीड और आर द बेसिक ऑफ ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स. कोई ट्रामा हमारी लाइफ में गुजरा हो, कोई इवेंट ऐसा गुजरा हो जो कि हमें डिस्टर्ब कर देता है, हमारी पूरी फंक्शनिंग को मुतासर कर देता है. लास्ट कैटेगरी ऑफ एंगजाइटी डिसऑर्डर इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म, कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस डिस्पाइट स्पीकिंग नॉर्मली इन अदर सिचुएशंस, नॉट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और स्किल विद लैंग्वेज और बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर दैट इज स्टटरिंग. के सेलेक्टिव म्यूटिज्म है, कुछ देर के लिए बच्चा बोलता है, कुछ देर के लिए नहीं बोलता. रीज़न क्या हो सकती है कि हो सकता है वो स्टटर करता हो, इस वजह से वो पसंद करता है खामोश रहना. ठीक, उसके बाद सेकंड जो कंडीशन आ जाती है इंटरनलाइजिंग बिहेवियर्स में, वो मूड डिसऑर्डर्स हैं. मूड डिसऑर्डर्स करेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर फंक्शनिंग कॉज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ एबनॉर्मली डिप्रेस्ड और एलिवेटेड इमोशनल स्टेट. फर्स्ट मूड डिसऑर्डर इज डिप्रेशन, परवेसिव सैड मूड्स एंड सेंस ऑफ होपलेसनेस. सिम्टम्स इंक्लूड सोशल विदड्रॉल, इरिटेबिलिटी, फीलिंग ऑफ गिल्ट और वर्थलेसनेस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन नॉर्मल एक्टिविटीज, ड्रास्टिक चेंज इन वेट, एपेटाइट और स्लीपिंग पैटर्न, प्रोलॉन्ग्ड क्राइंग बॉट्स, रिकरिंग थॉट्स ऑफ सुसाइड. सेवरल सिम्टम्स मस्ट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट बी टेम्परेरीली. Reasonable response to life circumstances, for example, grief over death of a family member. So depression जो है ये social withdrawal की तरफ ले जाता है, जिसमें sense of hopelessness और mood की sadness जो है वो increase हो जाती है. Second mood disorder is bipolar disorder, formally called manic depressive disorder. Alternating episodes of depressive and manic states. During manic episodes, person is in elevated mood of euphoria, a feeling of extraordinary elation and excitement, and exhibits three or more of the following symptoms. बहुत ज़्यादा ईगो आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ या थॉट्स जो हैं कंट्रोल में नहीं है, easily distracted. और अपनी ख्वाहिशात की बिना पर चल रहा है, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है. एंड पार्टिसिपेशन इन पर्सनली रिस्की एक्टिविटीज. सो द पीक एज एट ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स फॉल बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 19 ईयर्स. 5 ईयर्स और मोर में इलैप्स बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड्स, पर टाइम पीरियड्स बिटवीन सब्सिक्वेंट एपिसोड्स यूजुअली नैरो. सो दीज चिल्ड्रन और दीज इंडिविजुअल्स हैव this kind of behavior due to depression. Other disorders include schizophrenia and Tourette syndrome. What is schizophrenia? Schizophrenia bhi kaha jata hai isko. A severe psychotic disorder characterized by delusions, hallucinations, unfounded fear of persecution, disorganized speech, catatonic behavior, stupor and muscular rigidity, restricted range and intensity of emotional depression, reduced thought and speech productivity and decreased initiation of goal directed behavior. So ये बहुत ज़्यादा categories हैं जो कि हमने उनके साथ attach की हुई हैं schizophrenia की conditions के साथ, कि ये तमाम conditions हो तो हम कह सकते हैं कि इंसान को schizophrenia है. Onset typically occurs during adolescence or early adulthood में आता है ये इसका ऑनसेट. मोस्ट पीपल विद शिज़ोफ्रेनिया अल्टरनेट बिटवीन एक्यूट साइकोटिक एपिसोड्स एंड स्टेबल फेजेस विद फ्यू और नो सिम्टम्स. व्हाट इज टॉरेंट सिंड्रोम? टॉरेंट सिंड्रोम क्या है? एक इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है करेक्टराइज्ड बाय मोटर और वोकल टिक्स. टिक्स क्या है? रिपीटेड और इनवॉलेंटरली मूवमेंट्स हैं, जैसे कि आई ब्लिंक करना, फेशियल ग्रिमेजिंग, थ्रॉट क्लियरिंग, स्निफिंग, आर्म थ्रस्टिंग, किकिंग, जंपिंग, बार बार ऐसे एक्शंस जो कि इंसान बार बार परफॉर्म करता है. ठीक, वो टिक्स कहलाते हैं. सो मोटर और वोकल टिक्स या ऐसी एक्टिविटीज जो कि
एक से ज़्यादा बार रिपीट की जाती हैं वो टॉरेट सिंड्रोम का हिस्सा बन जाती हैं। सिम्टम्स टिपिकली अपेयर बिफोर एज 18। मेल्स अफेक्टेड 3 to 4 times मोर देन फीमेल्स। सो मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव अटेंशन प्रॉब्लम्स, इम्पल्सिवनेस, कंपल्शंस, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज ड्यू टू टॉरेट सिंड्रोम। सो दीज वर द सिंड्रोम कैटेगरीज डेट आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल। Let's come to the second characteristic, that is academic achievement. We have discussed their dimensions, externalizing and internalizing. Now we will discuss the characteristics regarding academic achievement. Most students with emotional or behavioral disorders perform 1 or more years below grade level academically. याद रहे अपने grade level के बच्चों से ही पीछे होते हैं. Students of the academic achievement. Of studies of the academic achievement of students with emotional or behavioral disorders have reported dismal outcomes such as following. Dismal outcomes हैं क्या कि 2/3 do not pass competency exams for their grade level. हर दूसरे से तीसरा बच्चा जो है वो competency exam pass ही नहीं कर पाता. जो grades हैं अगर वो pass कर भी ले grades जो हैं D और F आते हैं. Achievement deficits होते हैं और इसके अलावा जो है एब्सेंटीज़म बहुत ज़्यादा है, इसका रेट बहुत ज़्यादा है. ठीक, ड्रॉप आउट रेट 60% तक जा सकता है. सो द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड लो एकेडमिक अचीवमेंट इज रेसिप्रोकल. सो वी कैन से डिस्टर्प्टिव एंड डेफिशिएंट बिहेवियर इंटरप्ट्स इंस्ट्रक्शन एंड लिमिट्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज एंड असाइनमेंट कंप्लीशन. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैक ऑफ एंगेजमेंट विद द करिकुलम स्टूडेंट्स विद इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स मे फेल टू लर्न. द प्रॉब्लम इज फर्दर एग्जैक्यूरेटेड बाय इनइफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टीचर्स हु आर अनअवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस or students' academic skills deficits or who cannot address the deficits. The students become frustrated which leads to misbehavior in the form of avoidance and escape that in turn causes the student to fall yet further behind academically. Academically, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है इन बिहेवियर्स को फेस करते करते. So, what is intelligence level of children with emotional and behavioral disorders? Is intelligence is affected by emotional and behavioral disorders? Many more children with emotional or behavioral disorders score below the mean on IQ test than do children without disabilities. इनके आई क्यू टेस्ट के स्कोर कम आते हैं, ये याद रहे. इसका मतलब है कि जो उनका इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स है वो इंटेलिजेंस को इफेक्ट कर रहा है. Whether children with emotional or behavioral disorders actually have any less real intelligence than do children without disabilities is difficult to say. It is almost certain that the disruptive behavior exhibited by a child with emotional or behavioral disorders have interfered with past opportunities to learn many of the tasks included on the test. कि वो बच्चे जो हैं बहुत से ऐसे टास्क IQ टेस्ट के परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं अपने बिहेवियर या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, जिस वजह से उनके IQ स्कोर्स अच्छे नहीं आते हैं. द डिफरेंस इज ऑन टास्क बिहेवियर कैन हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन लर्निंग. ऑफ टास्क एंड डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस टीचर अटेंशन विच कैन हैव द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ री इन्फोर्सिंग द अनडिजायर्ड बिहेवियर. So one research based strategy for breaking this pattern is teaching students to obtain attention for appropriate behavior. जो appropriate behavior है उसमें teacher बच्चे को attention दे, जो appropriate behavior नहीं है उस पर attention ही ना दे तो वो automatically exclusion की तरह वो behavior जाना शुरू हो जाता है. Next characteristic is social skill and interpersonal relationships. The ability to develop and maintain interpersonal relationships during childhood and adulthood is an important predictor of future adjustment. Future ki adjustment jo hai social or interpersonal relationships ke bagair mumkin hi nahi hai. Theek, jo emotional or behavioral disorders ke sath bacche hote hain ye apne peers ki taraf se, apne friends ki taraf se, apni family ki taraf se bahut zyada rejection face kar chuke hote hain. इस वजह से इनकी सोशल स्किल्स या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी इम्पेयर्ड होते हैं. पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको
पार्टिसिपेट करना नहीं आता, पार्टिसिपेट करना सिखाया नहीं जाता, उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड सी होती हैं, उनके फ्रेंड्स लिमिटेड होते हैं, क्वालिटी रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते ये लोग. क्यों? क्योंकि इनकी सोशल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स ही इम्पेयर्ड हैं. जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी स्टूडेंट्स विद इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स आर 13.3 times मोर लाइकली टू बी अरेस्टेड ड्यूरिंग देयर स्कूल करियर्स देन आर स्टूडेंट्स विदाउट सच डिसबिलिटीज. के अपने इस बिहेवियर की वजह से, एब्यूजिव वायलेंट बिहेवियर की वजह से, मतलब ये जो इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, ये समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी अख्तियार कर जाते हैं तो ये एब्यूजिव और वायलेंट बिहेवियर की तरफ लेकर जाते हैं बच्चों को. और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो बच्चे जो हैं एट लास्ट वो अरेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, हाउ वी कैन असेस इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स. असेसमेंट ऑफ इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स एज विद ऑल डिसेबिलिटीज शुड आंसर फोर बेसिक क्वेश्चंस टू प्लान एनी एजुकेशनल सर्विसेज फॉर देम. फर्स्ट इज हु माइट नीड हेल्प, किस बच्चे को मदद की ज़रूरत है. हु रियली डस नीड हेल्प, हु इज एलिजिबल, कौन सा बच्चा एलिजिबल है, किस तरह की हेल्प चाहिए और हेल्प बच्चे को फ़ायदा क्या देगी. ये तमाम क्वेश्चन के आंसर बहुत ज़रूरी हैं. आइडेंटिफिकेशन इज मोर डिफिकल्ट विद यंगर चिल्ड्रन बिकॉज द बिहेवियर ऑफ ऑल यंग चिल्ड्रन चेंजेस क्विकली एंड ऑफन. सो ऑल्सो देयर इज डेंजर डैट सम चिल्ड्रन विद इंटरनालाइजिंग बिहेवियर्स गो अनडिटेक्टेड बिकॉज देयर प्रॉब्लम्स डू नॉट ड्रा द अटेंशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स. सो वो डिटेक्ट नहीं हो पाते, बहुत से ऐसे बच्चे जो इंटरनालाइजिंग बिहेवियर्स के साथ होते हैं. सो आइडेंटिफिकेशन इन बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है. तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं या हम जिस पे बात कर सकते हैं, पहली चीज़ है स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं. उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट है. ये तीन तरीकाकार हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम असेसमेंट पे बात कर सकते हैं कि हमने इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स के साथ जो बच्चे हैं इन्हें असेस किस तरह से करना. स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन चिल्ड्रन हु आइदर शो साइंस ऑफ बिहेवियरल डिस्टर्बेंस और सीम टू बी एट रिस्क फॉर डिवेलपिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स फॉर दोज हु आर नॉट लाइकली टू बी डिसेबल्ड. चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड थ्रू आर स्क्रीनिंग प्रोसेस देन अंडरगो मोर थ्रू थोरो असेसमेंट टू डिटर्मिन देयर एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड देयर स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स. So most screening tools consist of behavior rating scales or checklists that are completed by teachers, parents, peer, or children themselves. Teachers' rating of child behavior tend to be consistent over time, and teachers' rating of young children's behavior are good predictors of behavior at an older age. So screening test किस तरह के हैं जो के assess कर सकते हैं emotional behavior disorders को. चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट, बिहेवियरल एंड इमोशनल रेटिंग स्केल्स, सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग फॉर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स. फर्स्ट इज चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट. द चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स रिप्रेजेंटिंग सोशल कॉम्पिटेंसीज एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग सच एज गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स एंड एक्टिंग हैप्पीली. इसमें तमाम ऐसे आइटम्स हैं जो कि सोशल कॉम्पिटेंसीज को शो कर रहे हैं और अडेप्टिंग फंक्शनिंग को शो कर रहे हैं कि बंदा कितना को सोशली एडजस्ट हो जाता है. सेकेंड जो है बिहेवियरल एंड इमोशनल रेटिंग स्केल. द बर्ड्स असेसेस आर स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन 52 आइटम्स अक्रॉस 5 एरियाज ऑफ फंक्शनिंग. फंक्शनिंग के कौन कौन से एरिया हैं, उसकी इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ के हवाले से बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट के हवाले से क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रापर्सनल स्ट्रेंथ्स के हवाले से, स्कूल फंक्शनिंग के हवाले से, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ्स के हवाले से बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और 52 आइटम्स पे ये टेस्ट कंसिस्ट कर रहा है जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो है इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स के साथ है या नहीं है. थर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग फॉर बिहेवियर डिसऑर्डर्स है. द एसएसबीडी एम्प्लॉयज अ थ्री स्टेप मल्टीपल
gating screening process for progressively narrowing down the number of children suspected of having serious behavior problems. Gating process क्या है? गेट वन में मतलब स्टेप्स बना दिए जाते हैं. गेट वन में टीचर तमाम क्लास को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बच्चा बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ है. अगर 10 बच्चे भी इंटरनलाइजिंग और एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ निकले हैं तो टीचर दूसरे स्टेप में दोबारा उनको आइडेंटिफाई करता है और कोई टूल्स यूज करते हुए, इसी टूल के और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को यूज़ करते हुए. फिर बच्चा टीचर जो है टॉप 3 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर उनमें से भी गेट 3 में मज़ीद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है. सो ये एक मल्टीटास्किंग प्रोसेस है स्क्रीनिंग टेस्ट का. सेकेंड मेथड टू आइडेंटिफाई और टू असेस इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर. इन असेसमेंट बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट द एक्चुअल बिहेवियर दैट कॉज Concern about a child are clearly specified and observed in setting where they normally occur. For example, playground, जहाँ पे behavior हो रहा है वहीं पर ही बच्चे को assess कर लिया जाता है. और behavior dimension जो है वो किस तरह से देखी जाती है? Frequency, duration, latency, topography and magnitude. ये पांच चीजें जो है देखी जाती हैं जब हम behavior को directly observe कर रहे होते हैं. दिस अप्रोच लीड्स टू अ डायरेक्ट फोकस ऑन द चाइल्ड्स प्रॉब्लम द बिहेवियर डैट इज एडवर्सली अफेक्टिंग हिज लाइफ एंड वेज ऑफ डीलिंग विद इट सच एज स्ट्रेंथनिंग अ डिजायर ऑल्टरनेटिव बिहेवियर एज अपोज टू कंसनट्रेटिंग ऑन सम परज्यूम्ड और अनरीचेबल प्रॉब्लम विद इन द चाइल्ड. सो वट आर द मेयरेबल डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर? फाइव मेयरेबल डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर टू असेस द डायरेक्ट बिहेवियर और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट इज फ्रिक्वेंसी और रेट. हाउ ऑफन अ पर्टिकुलर बिहेवियर अकर्स, यूजली एक्सप्रेस्ड एज अ काउंट पर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम. 6 टॉकआउट्स पर मिनट, बच्चा 1 मिनट में 6 दफ़ा बोल रहा है. वो रोया कितनी दफ़ा है, उसने कितनी दफ़ा उछलने की कोशिश की है, उसने कितनी दफ़ा टाइम टू टाइम वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. येट वी आर नॉट एप्ट टू थिंक ऑफ देम एज इमोशनली डिस्टर्ब. द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर्स एंड अदर चिल्ड्रन इज द फ्रिक्वेंसी विद विच दीज बिहेवियर्स अकर. 1 मिनट में वो बच्चा कितनी दफ़ा एक बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है, ये फ्रिक्वेंसी है या ये रेट है. ड्यूरेशन क्या है? हाउ लॉन्ग अ चाइल्ड इंगेज इन अ गिवन एक्टिविटी? 12 मिनट्स, 13 मिनट्स, 14 मिनट्स, कितनी देर के लिए बच्चा किसी भी गिवन एक्टिविटी में इंगेज होता है, ये उसके बिहेवियर डिसऑर्डर को डिटरमिन करती है. सो उसके बाद है लेटेंसी, द टाइम डेट इलैप्सेस बिटवीन द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड एंड द बिगनिंग ऑफ द बिहेवियर. द लेटेंसी ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर मे बी टू लॉन्ग, सेवरल मिनट्स इलैप्स और मे बी टू शॉर्ट, कि बच्चा जल्दी से आपको आंसर कर दे, स्क्रीम आउट कर दे, या हो सकता है कि वो आंसर करे ही ना और वो बिहेवियर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए. सो लेटेंसी क्या है कि टाइम कितना वेस्ट हो रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए किसी बिहेवियर के हवाले से. टोपोग्राफी, द फिजिकल शेप और फॉर्म ऑफ बिहेवियर. प्रिंटिंग योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड साइनिंग योर नेम इन कर्सिव हैव डिफरेंट टोपोग्राफीज. सम चिल्ड्रन विद इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स एमिट बिहेवियर्स डैट आर सेल्डम इफ एवर सीन इन टिपिकल चिल्ड्रन. सेटिंग फायर्स, क्रुएल्टी टू एनिमल्स, दिस बिहेवियर्स मे बी मैल अडेप्टिव, बिजार्स और डेंजरस टू द चाइल्ड और अदर्स. फिफ्थ मेयरेबल डायमेंशंस इन मैग्नीट्यूड, द फोर्स और इंटेंसिटी विद विच बिहेवियर इज एमिटेड. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड्स रिस्पॉन्स मे बी टू लिटल और टू मच. टू लिटल में क्या हो सकता है? वो हल्की सी आवाज़ में बात करे. टू मच में क्या हो सकता है? कि जोर से दरवाज़ा मारे. ठीक है, उसके बाद थर्ड जो असेसमेंट कैटेगरी है वो है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट. वॉट इज FBA? फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट. फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड व्हाई अ स्टूडेंट मे बी इंगेजिंग इन चैलेंजिंग बिहेवियर. FBA रिजल्ट्स आर यूज्ड टू जनरेट हाइपोथेसिस अबाउट व्हाट द बिहेवियर फंक्शन और पर्पस इज फॉर द स्टूडेंट. टू कॉमन फंक्शंस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर आर टू गेट समथिंग द स्टूडेंट्स वांट्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एंड टू अवॉइड और स्केप समथिंग द स्टूडेंट डज नॉट वॉन्ट, डैट इज नेगेटिव री इन्फोर्समेंट. सो नॉलेज ऑफ अ बिहेवियर्स फंक्शन कैन पॉइंट टू द डिजाइन ऑफ एन अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान. कि किस तरह का फंक्शन है ये हेल्प आउट करता है इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह का बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान जो है वो बच्चे के लिए हम डेवलप कर सकते हैं.
सो फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट के अंदर हमारे पास तीन किस्म के इंटरवेंशन प्लान्स आते हैं, जिसमें पहला है इनडायरेक्ट फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, डायरेक्ट फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट और फंक्शनल एनालिसिस। इनडायरेक्ट फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट द इजिएस्ट एंड क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ FBA इन्वॉल्व्स आस्किंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड अदर्स हु नो द चाइल्ड वेल अबाउट द सर्कमस्टांसेस। दूसरों से पूछना, टीचर से इंफॉर्मेशन लेना, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज में क्वेश्चनियर से या चेकलिस्ट से जो है टीचर से, पेरेंट से, पीयर से ये पता करवाने की कोशिश करना कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, कितनी दफ़ा आकर होता है, प्रॉब्लम बिहेवियर किस हद तक है, ये तमाम क्वेश्चन जो है इन आइटम्स में पूछे जाते हैं। वन वाइडली यूज एम्पिरिकली वैलिडेटेड टूल फॉर इनडायरेक्ट FBA इज द फंक्शनल असेसमेंट इंटरव्यू। इंक्लूड्स अ स्टूडेंट असिस्टेड फॉर्म सो स्टूडेंट्स कैन सर्व एज देयर ओन इन्फॉर्मेंट्स, मतलब बच्चे खुद भी अपने वो फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। द इंटरव्यू क्वेश्चन द इन्फॉर्मेंट टू आइडेंटिफाई बिहेवियर डेट कॉज ट्रबल फॉर द स्कूल एट स्टूडेंट एट स्कूल। डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स क्लास शेड्यूल एंड इट्स रिलेशन टू प्रॉब्लम बिहेवियर। रेट द इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर्स अक्रॉस क्लास पीरियड्स एंड टाइम्स ऑफ डे। डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच द प्रॉब्लम बिहेवियर टिपिकली अकर्स एंड डिस्क्राइब द इवेंट्स डेट ऑफन फॉलो द बिहेवियर एंड मे फंक्शन टू मेंटेन इट। सो सेकेंड कैटेगरी इज डिस्क्रिप्टिव और डायरेक्ट बिहेवियर फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। डिस्क्रिप्टिव FBA entails डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर अंडर नेचुरली अकरिंग सिचुएशन। सो यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड ABC रिकॉर्डिंग एन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स अ टेम्पोरली सीक्वेंस्ड अकाउंट ऑफ ईच अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटीसीडेंट कंडीशन एंड इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दोज बिहेवियर्स एज दोज इवेंट्स अनफोल्ड इन द स्टूडेंट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें थी जो बच्चे के बिहेवियर को ट्रिगर कर रही हैं, उसके बिहेवियर की वजह बन रही हैं, उसने कौन सा बिहेवियर परफॉर्म किया और बिहेवियर का नतीजा क्या निकला, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं ABC की टेक्निक के थ्रू हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। दिस असेसमेंट टेक्निक इज सो नेम्ड बिकॉज इट ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन ऑन द एंटीसीडेंट इवेंट्स डेट ओकेजन और ट्रिगर प्रॉब्लम बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशंस फ्रॉम वन क्लासरूम और एक्टिविटी टू अनदर, डेट इज टास्क डिफिकल्टी आ जाती है बच्चे को, आपने एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी उसको करने को कहा है, तो उसने जो बिहेवियर परफॉर्म किया तो उसकी वजह क्या थी, एक्टिविटी चेंज करना, क्लासरूम चेंज करना, एंटीसीडेंट क्या है, कौन सा कहीं कौन सा मौका आता है जब वो बिहेवियर होता है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, नेचर ऑफ द बिहेवियर इटसेल्फ, नेचर में क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, टॉपोग्राफी, लेटेंसी, ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं पीछे डायमेंशंस बिहेवियर की, ये बिहेवियर की नेचर आ जाती है कि बिहेवियर था किस किस्म का। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस डेट मे फंक्शन टू मेंटेन द बिहेवियर, और बिहेवियर के फंक्शन को मेंटेन करने की क्या कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा, टीचर अटेंशन, विदड्रॉल ऑफ टास्क डिमांड्स, टीचर ने अटेंशन नहीं दी या अटेंशन दी, या टास्क की डिमांड्स जो है बच्चे को काम करने के लिए नहीं कहा गया, उसको थोड़ी देर के लिए टाइम आउट दे दिया क्लास से, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता है उस बिहेवियर का। ये मैंने एक इमेज अटैच किया है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जो हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट की उसको शो कर रहा है। एंटीसीडेंट्स क्या थे, बिहेवियर क्या था, कॉन्सिक्वेंस क्या आया और फंक्शन क्या था। एंटीसीडेंट क्या था, व्हेन एडल्ट और पीयर अटेंशन इज डाइवर्टेड फ्रॉम ब्रायन, ब्रायन बच्चे का नाम है, ठीक, जब बच्चा अपने पीयर के साथ बैठा हुआ था क्लास में या अपने अडल्ट के साथ था और अडल्ट या पीयर की अटेंशन जो है बच्चे से हट गई, ये एंटीसीडेंट था जिसने बिहेवियर को ट्रिगर किया, बिहेवियर को होने दिया कि हमने अटेंशन हटा ली उस बच्चे से। बिहेवियर क्या हुआ, ही इंगेज इन अ वराइटी ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स, वो प्रॉब्लम बिहेवियर में इंगेज हो गया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, अटेंशन फ्रॉम अडल्ट्स एंड पीयर्स, मतलब वो कॉन्सिक्वेंस क्या चाहता था उस बिहेवियर का कि मुझे अटेंशन मिले अडल्ट्स की या पीयर्स की। इसके मुकाबले में फंक्शन क्या हुआ, गेन अटेंशन फ्रॉम अडल्ट्स एंड पीयर्स, उसको अटेंशन मिल गई, ठीक है। ये था
लास्ट वन देखे, व्हेन ब्रायन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफिकल्ट और अनडिजायरेबल टास्क, जब आपने ब्रायन को कहा कि तुमने एक काम करना है, आपने उसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी, पेस्टिंग की एक्टिविटी दे दी, उसने पिक्चर पेस्ट करनी है, उसको वो डिफिकल्ट लग रहा है और अनडिजायरेबल लग रहा है, सो ही विल इंगेज इन अ वराइटी ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स, वो प्रॉब्लम बिहेवियर में इंगेज हो जाएगा। द टास्क बीन रिमूव्ड, हम कॉन्सिक्वेंस के तौर पर क्या करेंगे कि उसको जो काम दिया था वो हटा लेंगे। स्केप फ्रॉम डिफिकल्ट एंड और नॉन प्रेफरेंट टास्क, और उसने फंक्शन क्या सिलसिले में परफॉर्म किया, जब हमने उसका काम हटा लिया उससे, उसका तो वो चीज़ पूरी हो गई, ठीक है कि वो उस डिफिकल्ट टास्क से उसे स्केप मिल गया। कोई भी बिहेवियर हो, उसके एंटीसीडेंट होते हैं, बिहेवियर होता है और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम फर्दर बच्चे पे काम कर सकें। थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट इज फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट माइट ऑल्सो इंक्लूड अ फंक्शनल एनालिसिस, द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन ऑफ सेवरल इंसिडेंट्स और कॉन्सिक्वेंट इवेंट्स सराउंडिंग द टारगेट बिहेवियर इन एन अटेम्प्ट टू वेरीफाई द हाइपोथेसाइज्ड फंक्शन ऑफ द बिहेवियर, कि हम रिसर्च बेस्ड, रिसर्च फाइंडिंग की बिना पर ये कोशिश करने की ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं, या ये कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट्स निकलेंगे। इसको हम फंक्शनल एनालिसिस कहेंगे। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स, एंड वी ऑल्सो डिस्कस द असेसमेंट प्रोसीजर्स लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड बिहेवियर मेजरमेंट्स, एंड फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन विद इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।